मैं सब लोगों के बारे में नहीं बोलता, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं लड़कियों के ऊपर ही जोक मारता हूँ। तो आज जिस लड़कियों के ऊपर जो मैं जोक मारने वाला हूँ, मेरी बहन है। जब मैं छोटा था ना, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन भी छोटी थी, सो सैड। मैं बचपन में कैसा था मैं बताना चाहूँगा। जब मुझसे हाथ मिला करके लोग टाइम नहीं बोलते थे ना, तो मैं बाल खींच के मारता था, बोलता बाह हाथ मिला। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय। तो मेरी बहन मेरे साथ क्या अत्याचार करती थी, मुझे घर घर खिलाती थी अपने साथ। तो वो बनती थी टीचर, उसकी सहेलियां बनती थी स्टूडेंट्स, और मैं ऑफकोर्स बनता था प्यून। फिर जब घर घर खेलती थी ना, तो थोड़ा अच्छा होता था। मेरी बहन बनती थी मम्मी, उसकी सहेलियां बनती थी बच्चे, और मैं गेस करो डॉगी। ये हैवानियत का गंदा खेल कई दिनों तक चलता रहा। फिर मैंने सोचा नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मैं मर्दों वाला खेल खेलूंगा। शाम तक के लिस्ट बनाया, ऐसे कौन सी जगह है जहां पे मर्द पहुंचते हैं औरतें नहीं पहुंचती। लेकिन ऐसी कोई जगह ही नहीं, औरतें हर जगह हैं, मर्दों से चार कदम आगे हैं। ताली बजा सकते हो फेमिनिस्ट लोग। लेकिन एक जगह है जहां पे सिर्फ मर्द हैं, औरतें नहीं हैं। सोचो सोचो, मेन सैलून। तुम लोग जो सोच रहे थे वो नहीं है। तो मेन सैलून में, क्योंकि बचपन से बारबी के बाल बनाए थे, अब अपने बाल बनाने, मैं और मेरा कजिन फ्रेंड ब्रदर, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता बदनाम हो जाए। शुभम बेचारा पास में ही रहता है तेलीबांदा में, उसका इंस्टाग्राम का आईडी है SKS 513। तो मैं और मेरा कज़िन दोनों मिल करके हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम बार बार खेलें, घर घर, टीचर टीचर, नाउ बार बार सब कुछ अपग्रेड हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और खतरों का खेल चालू करें, और हमने रियल सीजर के साथ। तो बचपन से मेरा बहुत कट है। रियल सीजर के साथ मैंने और उसने खेल चालू किया। मैं बैठता था कस्टमर बन के, वो पूछता था सर कैसा कट करवाएंगे, मैं कहता था कि यहाँ से ऐसा वैसा। आधे घंटे तक वो काटता रहा, आधे घंटे बाद मेरी मम्मी आई, उनका रियल सीजर था, मैं टकला हो चुका था, मेरा कज़िन दुखी हो चुका था, हम लोग रो रहे थे। हम लोग सोचे कि रोने के बाद फिर मम्मी की मार कम पड़ेगी, बट मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी थी, सैड थी, शॉक थी, उनका सीजर खराब हो गया था। वो मार पिटाई हुई, उसके बाद रेगुलर काम। मैंने बोला चलो अब अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अब जो कुछ करना है किसी और पे करना है। तो मेरे पिताजी ट्रिमर लाए थे दिल्ली से, वाह वंस अगेन। मैंने सोचा अपने ऊपर तो करना नहीं, लेकिन जहां चाह वहां रहा। सामने वाली मिश्रा आंटी, नहीं वो टकली नहीं होगी, आई रेस्पेक्ट वुमेन। तो मिश्रा आंटी मेरे घर के सामने खटखटाई, और जब मैंने गेट खोला तो मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उनके हाथ में था उनका पोमेरेनियन डॉग, वाह। उन्होंने बोला वैभव क्या तुम इसकी केयर कर सकते हो एक घंटे के लिए, वाह एक घंटे का टाइम, क्या क्या नहीं ट्राई कर सकता मैं। फिर मैं और मेरा कजिन ब्रदर शुभम कुमार SKS 513, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना। लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ नया किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने गार्डन देखा था, एक ट्रिम एक लेयर बाल, एक ट्रिम एक लेयर बाल। पुराने जमाने में जो ट्रिमर होता था ना, उसमें बैटरी डलती थी, आज की डेट में चार्ज होता है। वो बैटरी कभी कभी ख़त्म होती थी, जब वो ख़त्म होती तो बीच के बाल फंसते थे। उस कुत्ते का दर्द सिर्फ वो कुत्ता जानते। कुछ देर बाद जब ये काम हो गया, बेचारा कुत्ता पिंक हो गया, आधा आधा वाइट था, फिर हम लोगों को एहसास हुआ कि यार मिश्रा आंटी अंधी तो नहीं है बेचारी,
वो तो देख लेगी कि ये आधा टकला हो चुका है। देन हम लोगों ने डिसाइड किया एक जीनियस आइडिया, कुत्ते को चद्दर में लपेट के देते हैं। एंड ऑफकोर्स हम लोग भूल गए थे कि चद्दर निकाला भी जा सकता है। जब मिश्रा आंटी घर गई, चद्दर को खोला, आधे घंटे बाद मम्मी के पास शिकायत आई। और मम्मी बहुत ज़्यादा शौक थी, दुखी थी, चद्दर खराब हो गई थी।